सो हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भर्ती 2022 के बारे में। जी हां दोस्तों, बीएसएफ की तरफ से निकाली गई बंपर भर्तियों की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सीमा सुरक्षा बल की तरफ से बड़े स्तर पर आप सभी के लिए वैकेंसीज रखी गई है, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इन भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आपको यहां पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, एंड इसी के साथ में आप यहां पर कब से कब तक इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूं, जहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस पर के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। करंट रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर क्लिक करके आप जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपके लिए दो वैकेंसीज रखी गई हैं, जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। बीएसएफ वाटरवेग रिक्रूटमेंट 2022 ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट है, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आप चेक कर सकते हैं 28 जून 2022 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है, एंड इसी के साथ में ग्रुप बी एंड सी के लिए भी वैकेंसीज हैं, नॉन गजेस्टेड पोस्ट, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जो कि बीएसएफ की तरफ से वैकेंसीज रखी गई है एसएमटी और डब्ल्यूकेएसपी के लिए। यहां पर भी आप जो है 12 जुलाई 2022 तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो जैसे ही दोस्तों, अभी हम बात करेंगे वाटरविंग रिक्रूटमेंट के बारे में, मतलब कि बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, इसलिए हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर आप जैसे ही अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहां पर आप इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं नोटिफिकेशन के बारे में तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन आपके लिए रखा गया है, जिसमें आप यहां से चेक कर सकते हैं एग्जाम वाटरविंग एग्जामिनेशन 2022 बीएसएफ की तरफ से वैकेंसीज हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं दोस्तों पोस्ट के बारे में, तो देखिए सब इंस्पेक्टर के पदों पर वैकेंसीज हैं, इसी के साथ में हेड कांस्टेबल के पदों पर भी वैकेंसीज रखी गई हैं, साथ ही में यहां पर कांस्टेबल के पद भी कुछ रखे गए हैं। तो टोटल यहां पर 281 पदों पर वैकेंसीज हैं, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सो अच्छी खासी पोस्ट है, आप इनके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट करें। अगर मैं यहां पर बात करता हूं पे स्केल के बारे में, तो देखिए अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं सब इंस्पेक्टर पद के लिए, तो आपको यहां पर सब इंस्पेक्टर पद के लिए जो सैलरी दी जाएगी वो लेवल 6 से प्रोवाइड की जाएगी, और 35,400 रुपए आपका मिनिमम यहां पर पे स्केल बनेगा, और आपको यहां पर मैक्सिमम 1,12,400 रुपए तक पे स्केल मिलने वाला है। और इसी के साथ में दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको 1,12,400 रुपए तक ही आपका जो है मैक्सिमम पेमेंट यहां पर बढ़ने वाला है, मतलब कि यह आपका जो है पेमेट्रिक्स पर जो है डिपेंड करता है, तो पेमेट्रिक्स भी आपका बढ़ेगा तो आपकी जो है सैलरी में भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में हेड कांस्टेबल पद के लिए अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं हेड कांस्टेबल पद के लिए भी आपको लेवल 4 से सैलरी दी जाएगी, और 25,500 रुपए से 81,100 रुपए तक आपका जो है स्टार्टिंग पे स्केल यहां पर बढ़ने वाला है। एंड इसी के साथ में कांस्टेबल क्रो पद के लिए आप यहां से चेक कर सकते हैं, लेवल 3 से आपको सैलरी दी जाएगी, 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक आपका जो है अच्छा खासा पेमेट्रिक्स यहां पर बनने वाला है, तो बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको यहां पर मिलने वाली है। इसी के साथ में ओनली इंडियन सिटीजन कैंडिडेट ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात कर ली, तो एज लिमिट में भी आपको अच्छी खासी छूट यहां पर देखने को मिल रही है। सब इंस्पेक्टर पद के लिए आपके लिए यहां पर जो एज लिमिट रखी गई है, ये अगर आप सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप पद के लिए अप्लाई करते हैं तो 20 से 25 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी मास्टर और ड्राइवर इंजीनियर पद के लिए दोस्तों यहां पर जो है 22 साल से 28 साल और 22 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल पद के लिए भी आपकी जो है एज यहां पर 20 से 25 साल रखी गई है। एंड इसी के साथ में दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं यहां पर कांस्टेबल पद के लिए, तो 20 से 25 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में देखिए दोस्तों, यहां पर आपको जो एज में छूट दी जाएगी वो भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि एससी एसटी कैटेगरीज को 5 साल की छूट प्रोवाइड की जाती है, वो छूट आपको यहां पर दी जा रही है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट यहां पर दी जा रही है। एंड इसी के साथ में अगर आप एक्सेसमैन कैंडिडेट है तो भी आपको यहां पर छूट देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैंडिडेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो भी आपको यहां पर कुछ एज में छूट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप जो अपनी एज के आपको जो भी एज में छूट चाहिए वो आप यहां से
चेक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आप चेक कर सकते हैं, 10+2 वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में सब इंस्पेक्टर पद के लिए 10+2 वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप पद के लिए बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। हेड कॉन्स्टेबल पद के लिए मैट्रिकुलेशन पास कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। आप जो है मैट्रिकुलेशन अगर आप कर चुके हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल पद के लिए भी मैट्रिकुलेशन पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप चेक कर सकते हैं, जो आपकी हाइट यहाँ पर रखी गई है ये ऑल स्टेट के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही में चेस्ट आपका 73 to 78 सेंटीमीटर रखा गया है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ से अपनी जो है एज और उसमें जो है 5 सेंटीमीटर का अलग से जो है रिलेक्शन ले पाएंगे। एंड इसी के साथ में मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी जो है आईज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपकी क्या आईज रखी गई है। टैटू की साइज आपको बताई गई है कि कौन सी लोकेशन पर कितने साइज का टैटू है, तो आप यहाँ पर जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका बहुत अच्छे से समझाया गया है आपको। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। सेकंड फेज जो आपका रहेगा इसमें आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, इसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। तो दोस्तों यहां पर आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट फेज में जो आपका यहां पर रिटन एग्जाम रहेगा इसमें आपका क्या सिलेबस रहेगा वो भी आपको यहां पर दिया गया है। जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन 25 मार्क के रहेंगे। इसी के साथ में रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 25 मार्क रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क रहेंगे और ट्रेड अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क करेंगे। 2 घंटे का टाइम आपको यहां पर जो है पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। एंड इसी के साथ में जो अगर आप यहां पर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं हेड कॉन्स्टेबल या फिर कॉन्स्टेबल पद के लिए, तो आपका यहां पर देखिए सिलेबस कितना सिंपल रखा गया है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 35 क्वेश्चन 35 मार्क रहेंगे एंड इसी के साथ में रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क रहेंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क रहेंगे। मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 नंबर रहेंगे, 2 घंटे का टाइम आपको यहां पर दिया जा रहा है, तो टाइम भी आपको यहां पर अच्छा खासा मिलने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको जो है पेपर यहां पर देखने को मिल जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क आपके यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35% रखा गया है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 33% यहाँ पर रखा गया है। मतलब कि अगर आपके मिनिमम इतने नंबर होना जरूरी है पेपर में। एंड इसके बाद में आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा उसके बारे में आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। पीएमटी और पीएसटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो है 1 मील की दौड़ रहेगी, मतलब 1600 मीटर की दौड़ आपकी जो है 8 मिनट में रहेगी। हाई जंप आपका जो है 3 फीट और 6 इंच रहेगा, जिसमें आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, मतलब कि 3 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप में आपका जो है 11 फीट का रहेगा, जिसमें भी आपको 3 चांस यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्रेड टेस्ट के बारे में आप यहां से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो आप भी आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा उसके बारे में। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपकी क्या जो है आईज वगैरह होनी चाहिए। इसके बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पर निकाला जाएगा। सो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद में भी आपको जो है यहां पर एक जो है वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बताऊं कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं, सो उसके लिए सबसे पहले आपको नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहां पर भी आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिस पर आप जो है 28/6/2022 तक जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। एंड इसी के साथ में यहां पर आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जो कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस चेक कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको ₹200 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। एंड इसी के साथ में अगर आप यहां पर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं कॉन्स्टेबल या फिर हेड कॉन्स्टेबल पद के लिए, तो आपको ₹100 एप्लीकेशन फीस यहां पर जमा करवानी होगी, जिसे आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। आपके यहां पर जो है सर्विस चार्ज भी लगने वाला है, जो कि एप्लीकेशन फीस में रहेगा वो कितना रहेगा वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट सेंटर्स आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपका जो है एग्जाम सेंटर क्या क्या रहेगा, तो आप जो है अपना नियरेस्ट एग्जाम सेंटर यहां से चूज कर सकते हैं और नियरेस्ट एग्जाम सेंटर पर ही अपना एग्जाम दे सकते हैं। सो यहां पर अगर इससे संबंधित आगे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप देखते रहिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन यहां पर दी गई है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम बात करते हैं यहां पर कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहां पर अप्लाई हेयर का बटन देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले अप्लाई हेयर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई हेयर के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है थोड़ा प्रोसेसिंग के बाद में कुछ एक अलग जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर जैसे आपके सामने
आपको से अलग से एक इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा जिसमें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डालना होगा, कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पर जो है कैपिटल लेटर में डालना है। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है। तो ईमेल आईडी देने के बाद में आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी जाएगा, तो दोनों ओटीपी आपको वेरीफाई करने होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल डालनी है, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन आपको जो भी आपकी अदर डिटेल है जो आप यहाँ से आपसे यहाँ पर पूछी जाती है वो आपको डाल देनी है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी कि आप जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल डाल देनी है। अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। इसके बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे, मतलब कि आपका जो भी 10th की मार्कशीट अगर आपसे यहाँ पर मांगी जाती है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आपसे 12th की मार्कशीट मांगी जाती है तो 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपसे बैचलर डिग्री की मार्कशीट मांगी जाती है तो वो आपको अपलोड करना है। अगर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में आपको क्राइटेरिया चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आप फाइनल अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, मतलब कि इसके बाद में आपको अपनी एप्लीकेशन फीस और पे करनी होगी। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर देते हैं तो आप अपना फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहां से जो है कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करके आपको अपने आईडी और पासवर्ड डालने होंगे। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप जो है अपना यहां पर कैंडिडेट लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद में आप अपना प्रिंट आउट भी, अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो किस लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक अलग से नई वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको बताया जाए कि आप किस तरीके से इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, सो उसके लिए सबसे पहले आपको मुझे नीचे कमेंट्स करने होंगे। एंड कमेंट्स के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो किस लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद दोस्तों।